अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अज जो लेक्चर नंबर 23 है असो वो है मिंटो मोले रिफॉर्म्स, यानी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ठही 30 दिसंबर 1936, उन्हीं का बाद जो मेन इवेंट है वो है मिंटो मोले रिफॉर्म्स। हाँ, मिंटो मोले रिफॉर्म्स के जो है इज ऑल्सो नोन, इनके बो जो है नालो जो दिनों वे तो या इनके बो सजो वे तो इज ऑल्सो नोन एज इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी ये जी मिंटो मोले रिफॉर्म्स आयु कदी आयु 1909 में 1909 में आयु इनके जो बो जो नालो सजो वे तो वो सजो वे तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, यानी एक्ट जो हों यानी 1909 वो एक्ट आने का पैर भी सब एक्ट अची चुका है। 1935 वो एक्ट इंडियन एक्ट उन बाद में काफ़ी सारा एक्ट आया या जी असो पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन ठाया 1956, 1962, 1973, ये एक्ट्स हूँ पे एक्ट सजा उन नालो नो कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन जो। सो हाँ इनके जो बो नालो इंडियन काउंसिल एक्ट सजो वे तो हाँ मिंटो मोले रिफॉर्म्स जो आंदा वे कें आंदा हुआ। हाँ ये जो ब नाला मिंटो बो मोरले, हाँ मिंटो कड़ो हो पा अगमें स्टडी कर आया हूँ तो मिंटो जो है वो कड़ो हो वाइसराय हो, ठीक है वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है वाइसराय ऑफ इंडिया कड़ो हो मिंटो, लॉर्ड मिंटो टू सेकेंड। जो मोरले हुयो वो केर हुयो लॉर्ड मोरले भी इनकी सजो वेंदो आए, ठीक है लॉर्ड मोरले। ही लॉर्ड मोरले केर हुयो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। हाँ ये जो आए वाइसराय केर हुयो इंडिया जो मंटो टू लॉर्ड मंटो भी पढ़े होना इनके, लॉर्ड मोरले केर हो लॉर्ड मोरले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हो जैन टाइम जो बिन्हीं जो मिली कर मिंटो मोरले रिफॉर्म्स दिना कदें 1909 में। मोरले रिफॉर्म्स जो हुआ इनमें 1906 में, ठीक है 1906 यानी 1906 में जैसे फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी है तो उन्होंने पाँच डिमांड रखी हुई, ठीक है डिस्कशन पानी पहला थल है डिमांड छाजी हुई इनकी फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, हाँ फॉर सेपरेट कैं ठीक है मुस्लिम्स जो हाँ ही जिका डिमांड कें रखी हुई, डिमांड रखने वाली कैर हुई वह आई असि नई जी पार्टी ठही हुई मुस्लिम लीग उन डिमांड हुई कंखा इन्हें खा। सो ही जी डिमांड हुई इन्हीं के वो ये समझो तो तश्कील में आंदो वो यानी इनकॉर्पोरेटेड यानी तश्कील में आंदो वो कैमें मिंटो मोरले रिफॉर्म्स में, कैमें मिंटो मोरले रिफॉर्म्स में, रिफॉर्म्स मतलब तब्दील चैनिक से क्या वह ठीक है इनकॉर्पोरेटेड यानी तश्कील में आने कंखे एक तो डिमांड जो कई कें कई मुस्लिम लीग डिमांड कई कंखा लॉर्ड मिंटो का ए मोरले का उन्होंने जो सेपरेट अथॉरिटी जो मुसलमान की हुई जन कदें कई हुई 1906 में कई वह उन्होंने एक्सेप्ट कई। उन बाद में बी जो इनकी डिमांड हुई कड़ी डिमांड हुई तो वो चवन पे असा जो जजिस अपॉइंट क्या वन मुस्लिम जजिस। सो जो डिमांड हुई इन सेकेंड डिमांड हाँ कड़ी डिमांड हुई अपॉइंटमेंट ऑफ जजिस, ठीक है अपॉइंटमेंट ऑफ जजिस ऑफ मुस्लिम जजिस, ठीक है मुस्लिम जजिस वह भी वो उन भी जो इनकॉर्पोरेटेड में यानी तश्कील में आंदो वो कदें कैमें मिंटो मोरले रिफॉर्म्स में, ठीक है ठीक है इंटो मोर जो मिंटो मोरले रिफॉर्म्स में कड़े आयु 1909 में आयु
यानी जो टॉपिक अस पढ़ू था उन्हीं जो मतलब इश्यू पढ़ा तो उनमें चैलेंजेस कड़ी हुई उनमें जो मेन चैलेंज आने वाला वे कैर हुआ कड़ी एक्सेप्ट क्यों रिजेक्ट क्यों हुई सो यो असो पर्पज है लेक्चर के हलण जो उनका बाद में इन खास कर प्रिंसिपल्स आंदा यानी कायदा आंदा हुआ ठीक है प्रिंसिपल्स सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट लाइ ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट लाइ कायदा आंदा हाँ वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो कायदा उन कंखा डिमांड कई हुई वो डिमांड हुई कंखा बिन्हीं का कंखा ब कड़ी आने बे असा बोर्ड्स हुआ एक असो म्यूनसिपल ठीक है एक असो म्यूनसिपल बोर्ड एको बो अस असो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ठीक है इन बिन्हीं का असो डिमांड्स हुई कड़ी यानी जो प्रिंसिपल्स कायदा कैंजा सेपरेट इलेक्टोरेट जहाँ तो इन कायद कानून सेपरेट इलेक्टोरेट हुई डिमांड्स कंखा हुई म्यूनसिपल बोर्ड का जो असो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का उनका बाद कांग्रेस हाँ इन जी अपोजिशन कई है तो इन कांग्रेस हिंदूज बॉडीज हुई एक तो कांग्रेस बो अदर हिंदू बॉडीज ठीक है अदर हिंदू बॉडीज या लीडर्स चौस ठीक है उन्हें जो अपोज्ड किया उन्हें जी अपोजिशन हुई यानी अपोज किया सेपरेट इलेक्टोरेट के सेपरेट इलेक्टोरेट अलग चूंडे अपोजिशन कें कई हुई सिर्फ और सिर्फ कें कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमेशा लाइज अपोजिशन में रहा वर उन बाद में इनो ही मानू हु जैसे सपोर्ट किया सेपरेट इलेक्टोरेट के वो कहो असो मिस्टर एस पी सिन्हा ही जो है हिंदू लीडर हो जै सपोर्ट कई हुई सेपरेट इलेक्टोरेट के सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट यानी ये जो अस मिंटो मल रिफॉर्म्स पढ़ू था या इंडियन काउंसिल एक्ट चाहे वे तो इन का बो गुँ सेपरेट इलेक्टोरेट के भी कंटिन्यूसली गड इनके भी पढ़ू था गुड ठीक है एक तो अलग चूंडियो मिंटो मल रिफॉर्म्स बिन्हीं के गड टॉपिक हलूँ था हाँ हि जी अस डिस्कशन थी वही सेपरेट इलेक्टोरेट मिंटो मल रिफॉर्म्स से कुछ बो भी पॉइंट्स अस थोड़ी अगत डिस्कस क्यों था हाँ वो डिस्कशन लाइ पॉइंट्स कड़ी हाँ एक तो ये थी असो कांग्रेस बॉडीज जो हिंदू बॉडीज या कांग्रेस अपोजिशन कई सेपरेट इलेक्टोरेट की मिस्टर एस पी सिन्हा जो लीडर सपोर्ट किया सेपरेट इलेक्टोरेट के पर 1908 में जो है ना 1908 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्हें गाल कही कड़ी उन्हें गाल कही कड़ी वह ये गाल कयाऊँ तो असरी डिजायर आ मतलब ख्वाहिश है तो अस यो दिसन चाहूँ था डेमोक्रेसी जो आबाद थे इतने डेमोक्रेसी जो है जमहूरियत जो फ्लरिश थे ठीक है हाँ डेमोक्रेसी फ्लरिश किथे थे इन इंडिया किथे इन इंडिया ठीक है इंडिया में जो थे आबाद थे डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत अगर डिठ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये गाल करे पई पर उन जो हुए कौन छो जो स्टार्ट में बुझा तो मिंटो जो ये ख्याल तो या जो मिंटो चे पे तो डिवाइड एंड रूल उनका बाद में जो इंडियन काउंसिल एक्ट हुए ठीक है 1909 वारो इंडियन काउंसिल्स एक्ट इन्हीं जे इम्पेरियल हुई असो ठीक है इम्पेरियल एंड लेजिस्लेटिव या प्रोविंशियल ठीक है प्रोविंशियल जी काउंसिल्स उन्हें जी साइज के वधाया वो ठीक है उन्हें जी साइज के वो इनलार्ज किया वो इनलार्ज इन साइज हाँ इनलार्ज इन साइज क्या तो पैर जो है ना उन्हें मेंबर्स घना हूं 16 मेंबर्स हूं ठीक है घना मेंबर्स हुआ 16 मेंबर्स हुआ पर ये अगते वधाए करे घना रखा वया
इनजा 60 मेंबर्स किया वह तो जी उन घा मूल वो फायदो वी सकन ठीक इंडियन काउंसिल एक्ट जो कदम आया 1909 में उन्हें इम्पेरियल ए प्रोविंशियल्स उन्हीं काउंसिल यानी सूबाई जी काउंसिल्स उनका साइज है उनकी इनलार्ज किया हो पे उनमें घना हूँ मेंबर 16 मेंबर हूँ पर बाद में जो है मेंबर घना क्या हुआ 60 मेंबर्स क्या हुआ तो जी सभी के जो है वो मतलब मौको मिले उन बाद में जो है मिंटो मोरले भी है इनकी भी मतलब ये समझो तो रयाकारी दिखाई मतलब पानी जो ये समझो तो आइडिया दिखार है तो मुसलमान जो को वोट है वो डबल वोट थे खपे ठीक है डबल वोट इन अकॉर्डिंग टू द मिंटो मोरले रिफॉर्म्स यानी सिंगल आने डबल सीट दिन वन और डबल वोट कह वे सो हाँ जो मिंटो मोरले है ना शुरुआत में ग्रेट डील हुई सुठी डील हुई इन बाका सुठी अवेयरनेस आंदी है इंडिया के मानून में तो बबा अस कम क्यों फलाह बेबूद क्यों फॉर इंडियंस फॉर द मुस्लिम्स फॉर द हिंदूज फॉर द सिख्स अलग कम्यूनिटीज भी सभी ये तश्किल में आने था पर वो भी जो है यो अस एक्ट जो है एतो सुठो ना हली सको छो तो उन रीजन आ रीजन कड़ो हो हि जो सर्ब जो ब्रिटिश जो सारे पांच पॉलिसीज अरे यानी कि जो है पांच मफाद होते उ कम कर पाया अदरवाइज उत कम ये नैन कर पाया सो हाँ ये समझो तो लॉर्ड जो है मिंटो जो टेन्यूअर आ वो जो 1905 का स्टार्ट थे तो पे भी शुरुआत में गाल थी हुई 1910 में जो है ना 1905 का शुरू थे तो 1910 में जो है टेन्यूअर वो इतने इंड थे तो खत्म थे तो इतने असान जो है ना मिंटो मोरले रिफॉर्म्स में जो वायसराय वो उहदो आ ठीक है वायसराय वो उहदो जो चेंज थो कन्वर्ट थो कें गवर्नर जनरल में गवर्नर जनरल एंड जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थो 1910 में केर थो लॉर्ड हार्डिंग्स लॉर्ड हार्डिंग 1910 में जो है गवर्नर जनरल मुकर्र थो कहो इंडिया जो सो ही जो असो शॉर्ट टॉपिक हुए मिंटो मोरले रिफॉर्म्स तो कड़ी कड़ी रिफॉर्म्स हुई सेपरेट अलोटरेट कि हो मुसलमान की कड़ी डिमांड्स एक्सेप्ट कई हुई कुछ सही डिमांड्स हुई रिजेक्ट भी क्यों मुसलमान सिर्फ जो चाहन पे प्लेटफॉर्म टाया हो हिंदू मुस्लिम जो मुसलमान जो प्लेटफॉर्म टाया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उ चन पाया अस यूनिटी हुए असो लॉयल्टी हुए टुवर्ड द ब्रिटिश पर वह अगत चेंज थी जो गाल कई पा 1913 में छो चेंज थी रीजन भी हुए न बल्कि काफी सारा रीजन्स हुआ एनलमेंट हुई वार्स हुई इटली वार हुई अलग अलग वार थी कानपुर मास्क ट्रेजिडी थी हुई उनमें और सो वक्सन जो अगत टॉपिक डिस्कशन क्या हाँ सो हाँ असो टाइम हाँ जो टाइम है वो है तो ये जो अस टॉपिक पढ़ा इन में मेन मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज उन्हें थोड़ी डिस्कशन कर तो एमसीक्यूज अची सकता वे कड़ी तर्ज जहाँ अची सकता सो वे एमसीक्यूज में राइट आउट कर एडवांस में ही हाँ वे एमसीक्यूज करीबन जो दह का नौ का दह एमसीक्यूज आज जो मैं टॉपिक में कड़िया छो जो टॉपिक शॉर्ट है एमसीक्यूज भी जो कुछ जो अस राइट आउट क्या हाँ ये असान एमसीक्यूज आज सो पे जी दिसो इनमें एमसीक्यूज आए फर्स्ट एमसीक्यूज आए तो वेन लॉर्ड मिंटो केम टू इंडिया एज वॉइस रॉय तो यानी जो लॉर्ड मिंटो वो इंडिया में कदें आयो या वॉइस रॉय थी करे सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कड़ा है कड़ो है 1905 है 1905 में आयो उन बाद सेकेंड एमसीक्यूज आ हु वॉज लॉर्ड मोरले तो लॉर्ड मोरले केर हो छो मिंटो मोरले ब नाला सो लॉर्ड मोरले मोरले जो हो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी इंडिया जो कड़ो हो सेक्रेटरी हो सो सेक्रेटरी अलग हों वायसराय अलग हों वायसराय अगत कन्वर्ट किया गवर्नर जनरल में सो लास्ट एमसीक्यू असि आए वायसराय कन्वर्ट थे तो गवर्नर जनरल में उन बाद नंबर थर्ड द एक्ट ऑफ 1909 इनलार्ज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इट वॉज रेज टू 60 यानी पे इन जो मेंबर्स हुआ पा डिस्कशन कर आया तो 16 मेंबर्स हूं हुआ पर अगत घना मेंबर वाया 60 मेंबर कर छाया इनका बाद नंबर फोर्थ एमसीक्यूज आए वेन द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट
बाय द मुस्लिम लीग वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन, यानी जेका मुस्लिम लीग डिमांड कई कॾहिं 1905 पंहिंजो जेको पहिरियों टॉपिक करे आयासीं कॾहिं 1906 में जेका हिननि डिमांड कई हुई सेपरेट इलेक्टोरेट जी। सो उहा इनकॉर्पोरेटेड जो मतिलबु आहे तश्कील में कॾहिं आंदी वई इन मोंटोमोरो रिफॉर्म्स, जेका मोंटोमोरो रिफॉर्म्स आहियूं 1909 में उनमें तश्कील में आंदी वई, त उन असां तव्हांजो जेके सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड आहे उहो असां एक्सेप्ट कयूं था। Number 5th, the acceptance of demand for the appointment of Muslim judges was also incorporated in Minto Mohalla reforms. Jeka appointment judges di Muslim judges di uha bhi Minto Mohalla reforms mein jeka unke tashkil mein ando vayo, yani unke jeka na matlab unke waqai accept kiyo vayo. Number 6th, NCOs who opposed the separate electorate, jeki separate electorate hui unin ji opposition kein kai, so paani jeka discussion thi chuki hai uhe Congress and jeka other Hindu bodies, हिकु त कांग्रेस ॿियूं जेका आहिनि अदर हिंदूज़ बॉडीज़ आहिनि उन्हनि जेका हिन जी छा कई हुई मतिलबु अपोज़िशन कई, हिकु कांग्रेस ॿियो सम्झो अदर हिंदू बॉडीज़ कोर्ट सारी बॉडीज़ हूंदियूं जेके जंहिं अपोज़िशन कई। नंबर 7th में जेको विच हिंदू लीडर सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट, पहिरियां पाण डिस्कशन करे आया आहियूं त एस पी सिन्हा जेका सपोर्ट कई हुई छा खे सेपरेट इलेक्टोरेट, जेके मुस्लिम लीग जो पहिरियों जेको आहे मतिलबु पॉइंट हुयो ऑब्जेक्टिव हुयो। Number 9, 8th MCQs, which organizations believed that Muslims should be eliminated from India? हिकिड़ी ऑर्गेनाइजेशन हुई जेका हमेशह लाइ चए पई त मुस्लमान जेका आहिनि उहे एलिमिनेट थियनि कंहिं मां इंडिया मां, यानी ख़तमु थियनि हलिया वञनि, उहा कहिड़ी हुई हिंदू महासभा। ठीकु आहे, हिंदू महासभा हिकिड़ी पार्टी हुई जेका या हिकिड़ो ईअं सम्झो एसोसिएशन हुई क़रीबन जेका आहिनि पाण डिस्कशन करायूं त 1888 में जेका आहिनि ठही आहे, डेट जेका आहे थोरो कन्फर्म कजो, मे बी आई 1888। सो हीअ जेका आहिनि हिंदू महासभा वारा चवनि पिया त मुस्लमान जेका आहिनि शुड बि जेका एलिमिनेट थी वञनि कंहिं मां इंडिया मां हलिया वञनि, यानी ख़तमु कयो वञनि हिननि खे। नंबर 9th एमसीक्यू, हू बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1910, यानी 1910 में जेको आहे इंडिया जो जेको आहे गवर्नर जनरल केरु थियो, लॉर्ड हार्डिंग जेको आहे फर्स्ट बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। Number 10th MCQs, introduction of the principle of separate electorate was also demanded in, yani musliman jeka ne demand ke kha kai bio ek ta kayo matlab state ka bio ke kha kayo ek ta municipal bio asan ji district jeke boards han unhen kha jeka hanen jeka demand rakhi hui ta asan jeka ne jeka qaida an asan ja qanun an cha separate electorate ja ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਾਇਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਥੀਣ ਖਪੇ ਉਹ ਹਿਕ ਤਾਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਖਾਂ ਬਿਓ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਸ ਖਾਂ। ਹੀ ਜੇਕਰ ਖਾਸ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਰਿਪੀਟਡ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਆਹਿਨ ਜੇਕੇ ਅਸਾਂਜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੈਸਟਨਿ ਮੇਂ ਇੰਦਾ ਰਹਿਣ ਥਾ ਹਿਨ ਟਾਪਿਕ ਮਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ ਮੈਂਟੋ ਮੋਲੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਮਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਟਾਪਿਕ ਅਸਾਂ ਹਿਤੇ ਜੇਕਾ ਆਹਿਨ ਖੇ ਐਂਡ ਕਰੋ ਥਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।